कान है? प्लीज सर, क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए आज के सेशन में? व्हाट डू यू गाइस वांट? इनको देना मैं. हेलो सर, माय नेम इज वंदना एंड मुझे पूछना है, जैसे हमें सेल्फ डाउट होता है खुद को लेके कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं, क्या हमारे में कैपेबिलिटीज है वो सब करने के लिए, मतलब वी वांट टू डू बट समहाउ वी फील कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लाइक सेल्फ डाउट. तो उस चीज से कैसे ओवरकम किया जाए? मतलब हमको खुद के ऊपर डाउट होता रहता है कि हम वो करें या ना करें. कितने चाहते ये हो आज के सेशन का टॉपिक? क्या कोई ऐसा भी है यहाँ पे जिसको अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है? अगर कोई कहता है कि मुझे अपने ऊपर कभी कोई डाउट ही नहीं होता है, तो इसका मतलब उसका दिमाग बंद है. फॉर श्योर. ये जो डाउट है ये किससे रिलेटेड है? इंटेलिजेंस से रिलेटेड है. कोई टेररिस्ट है, उसके माइंड में कोई डाउट नहीं है, तो उसको इंटेलिजेंट कहोगे या बेवकूफ कहोगे? कि उसकी एक तरह की कंडीशनिंग कर दी गई है, कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही भी है या नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं है वो बंदे जो मेरे को ये काम करने के लिए बोल रहे हैं उनका अपना कोई मोटिव है और वो मुझे यूज कर रहे हैं अपने उस सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए. सो दिस क्वेश्चनिंग इज इंटेलिजेंस. क्वेश्चन करते ही क्या होगा? डाउट होगा. तो सबसे पहले तो ये समझना है, इसको टॉपिक को यहां से शुरू करते हैं, कि ये डाउट बुरा नहीं है. ये जो हमको खुद के ऊपर डाउट होता है कि मैं ये जो कर रहा हूं ये सही भी है या नहीं है, कि ये जो मैं करने वाला हूं ये मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, डाउट होना चाहिए. अगर आप ध्यान से समझोगे, ये जो डाउट आते भी हैं और इसका जो भी सॉल्यूशन आता है निकल करके, वो हमारी कंडीशनिंग के अंदर ही होता है. तो इसका जो पहला स्टेप है वो है ये नहीं कि अपने डाउट से कैसे फ्री हो, कि हमारी जो कंडीशनिंग है उससे हम कैसे फ्री हो. हमारी एक कंडीशनिंग है, माइंड की एक कंडीशनिंग है, जिस तरह से माइंड काम कर रहा है उस कंडीशनिंग के अंदर आप जब भी कुछ अपने आप से सवाल पूछोगे तो उसका वही जवाब निकल करके आएगा जो जवाब अंदर पड़ा हुआ है. और उसके अलावा आप कुछ और करने के बारे में सोच तो सकते हो लेकिन कर नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट रिच, तो उसका क्या तरीका है? आपकी जो एग्जिस्टिंग कंडीशनिंग है वो हो सकता है ऐसी हो, आप गरीब तो रह सकते हो लेकिन कभी भी अमीर नहीं हो सकते मरते दम तक. कंडीशनिंग ही ऐसी है. तो अब क्या करें? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से पूछता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रियली वांट टू गेट रियली रिच इन लाइफ? हाथ ऊपर करो. बाकी गरीब ही रहना चाहते हैं. बढ़िया है, भगवान भला करे आपका. अब देख रहे हो ये भी कंडीशनिंग है. बहुत सारे लोग हाथ उठाने में भी सोच रहे हैं, मतलब सोचो कंडीशनिंग कितनी तगड़ी है. देख रहे हो कि मैं तो हो ही नहीं सकता, क्या करूंगा हाथ ऊपर करके. जिन्होंने हाथ भी ऊपर किया उन्होंने भी डर डर करके किया है, यार मेरी औकात से तो नहीं लगता. मतलब क्या मैं करूं ना करूं, मतलब अमीर, बहुत अमीर, रियली रिच, क्या कर देता हूं यहां पर, करने में क्या जाता है. इसको कंडीशनिंग बोलते हैं, समझे? किसी के बाप का कुछ जाता है सोचने में क्या मैं बहुत अमीर हो सकता हूं? वो सोचने में भी फटती है, मतलब लगती है. मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मतलब अंदर से बार बार ये डाउट हो रहा था ना कि हाथ उठाऊं या ना उठाऊं. लेकिन होना कितने चाहते हैं? सब होना चाहते हैं. कोई ये थोड़ी कहेगा कि मेरे को पैसा. अच्छा, किसी को पैसा बुरा लगता है क्या? भिखारी को भी बुरा नहीं लगता है. अब अपना छोड़ो, वो भी क्या मांग रहा है, पैसा ही तो मांग रहा है. बहुत पैसा किसी को बुरा लगता है क्या? कि आपको पैसे की टेंशन हो. बहुत पैसा मतलब क्या, बिलियनर की बात नहीं कर रहा, इतना पैसा कि आपको पैसे की टेंशन ना, कहीं पर भी जाओ कुछ लेना है या कुछ खरीदना है तो प्राइस टैग ना देखना पड़े. ऐसी लाइफ चाहते हो नहीं चाहते? अरे यस सर. हाँ हाँ, क्यों नहीं सर. बट आपकी कंडीशनिंग क्या है? बचपन से क्या ऐसी कंडीशनिंग है आपकी कि आपने अपने पेरेंट्स को ये करते हुए देखा है? बेटे कोई नहीं, लाइट को जला रहने दे, ऐसा देखा है? या फिर गालियां खाई है जब कमरे में कोई नहीं तो लाइट क्यों जल रही है? तो आपकी कंडीशनिंग क्या है? गरीबों वाली. गरीबों वाली कहो. गरीबों वाली मतलब क्या? दिन शुरू होता है पैसे से, खत्म होता है पैसे पे, और किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है. सुबह से रात तक यही चलता रहता है, इसके अलावा और कोई थॉट्स ही नहीं आते हैं.
जैसे किसी से मिलते हैं फटाफट से अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं कि मेरे से अमीर है गरीब है, ऐसा होता है नहीं होता है? किसी से भी मिलते हैं उसकी फटाफट से सैलरी पूछना चाहते हैं, कई बार शर्म भी आती है पूछने में, लेकिन किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लेते हैं कितने का पैकेज है भाई, पैकेज तो अच्छा ही होगा, हाँ हाँ बहुत अच्छा है जी, नहीं मतलब कितना क्या, ये हरकतें होती है नहीं होती है? तो सुबह से रात तक मतलब पैसा मतलब क्या, गरीब का डेफिनेशन का मतलब क्या, गरीब और अमीर की डेफिनेशन पता है क्या है? जिसके पास में करोड़ों रुपए है क्या वो अमीर है? ना, मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है गरीब की और अमीर की। गरीब मतलब क्या, जिसका दिन शुरू होता है पैसे से, खत्म होता है पैसे पे, जिसके अंदर जो भी थॉट चलते हैं उसका जो सेंटर पॉइंट है वो है पैसा, वो गरीब है। क्या उसके अकाउंट में 100 करोड़ पड़ा हुआ है? गरीब है वो बेचारा। गरीब मतलब क्या, पैसे का गुलाम है, चाहे पैसे के लिए गुलाम है चाहे पैसे का गुलाम है, सही वो गरीब है। सही बात है। जड़ क्या है कि हमारा जो माइंडसेट है उससे बिल्कुल ही अलग है जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। मतलब वी वांट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो है कि एवरीथिंग तो छोड़ो, समथिंग भी मिल जाए तो बहुत है। हमारी हालत पता कैसी है? मैंने एक जगह पे कहीं पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है। एक जगह पे ना, चलो दे देता हूँ एग्जांपल, कोई नहीं आपकी बात नहीं हो रही, एग्जांपल है तो अपने ऊपर मत ले लेना। एक जगह पे ना एक कुत्ता बैठा हुआ था। अब आप नहीं हो कुत्ते, तो एक कुत्ता बैठा हुआ था एक जगह पे और रोए जा रहा था। उसके साथ में भिखारी बैठा हुआ था, तो कुत्ता रोए जा रहा रोए जा रहा रोए जा रहा। कुछ दिन बाद वहां पे जो आसपास में एक किसी का घर था, उस बंदे ने आकर के उस भिखारी से पूछा कि कुत्ता रोता क्यों रहता है? कहते वो जहां पर बैठा है ना उसके नीचे एक छोटी सी कील है। तो उस बंदे ने पूछा जब कील है तो वो कुत्ता उठता क्यों नहीं है? कहता अभी इतना दर्द नहीं हो रहा है कि वो उठ जाए। इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। बुरी तो है हमारी लाइफ लेकिन इतनी बुरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा एक्शन ले। ठीक है, गाड़ी तो चल ही रही है, जिंदगी तो कट ही रही है, ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, चुभ रही है जिंदगी थोड़ी बहुत, लेकिन कट रही है। हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारी कंडीशनिंग है वो है इस तरह की। ये किस तरह की है? जो 90% लोगों की है। उसी कंडीशनिंग में जो बाकी लोग कर रहे हैं, अगर हम भी वही करेंगे तो वही रिजल्ट नहीं आएगा जो उन लोगों को आ रहा है। उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन होगा उसके आसपास ही। बट इफ वी वांट कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जो ऐसे कुछ लोगों के साथ में हो रहा है जिनकी कंडीशनिंग इनकी कंडीशनिंग से बिल्कुल अलग है, तो हमें क्या करना होगा? एग्जैक्टली, अपनी कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। क्या हम कभी ये करते हैं? नहीं करते। अगर आपकी कंडीशनिंग भी वैसी हो जाए जो उन लोगों की कंडीशनिंग है जो आपसे भी नीचे वाले लेवल पे थे लेकिन आज आपसे बहुत ऊपर वाले लेवल पे हैं, और वैसी ही आपकी कंडीशनिंग हो जाए तो क्या होगा? कंडीशनिंग कह लो, थॉट प्रोसेस कह लो, माइंडसेट कह लो, वो अमीरों वाला बन चुका है और एक्चुअल में बन चुका है, तो क्या होगा? क्या रियलिटी बदलेगी या नहीं बदलेगी? अगर एक्चुअल में कंडीशनिंग बदल गई है तो रियलिटी को बदलना ही बदलना है। उसको बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और अगर आप सिर्फ रियलिटी बदलना चाहते हो बिना अपनी कंडीशनिंग को बदले, तो भगवान ही आपका मालिक है। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। अपने आसपास में लोगों को देखा है ना, जल्दीबाजी में एक्साइटेड होकर के किसी की कोई बात सुनी या कुछ भी, कोई बड़ा सा स्टेप उठा लिया, उसके बाद में रो रहे हैं, जॉब छोड़ दी, उसके बाद में जहां से छोड़ी वो भी वापस नहीं, उसको रख रहे हैं, कहीं और भी नहीं मिल रही है, जो ट्राई किया वहां से भी गया। अब क्या हुआ उस बंदे का? हर तरफ से फंस गया ना। उसने गलती क्या करी? अब आप समझ पा रहे हो क्या गलती करी उसने? हाँ, उसकी कंडीशनिंग थी, कंडीशनिंग कहो या सोच कहो, सोच थी बहुत ही छोटी, काम करना चाहा बहुत ही बड़ा, मारा गया। अच्छा, अगर किसी की सोच बहुत बड़ी हो और फिर अगर वो छोटे लेवल से शुरुआत करे, छोटे काम से करे, तो उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? 100% एग्जैक्टली। एक बुक है फॉर एग्जाम्पल, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल।
वो अगर आप बार 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 पढ़ते रहते हो, वो बुक कैसे लिखी गई है, किसी को पता है उस बुक की हिस्ट्री के बारे में? पता है जो ऑथर है उसने बहुत साल तक रिसर्च करी, ऐसे ऐसे लोगों से जाकर के मिला जो अमीर है, और वहां पर कुछ डिस्कवर किया कि ऐसा क्या है जो इन सब में कॉमन है, ऐसा क्या है जो ये सब करते हैं, क्योंकि अगर कोई एक करता है बाकी नहीं करते हैं तो उसको लॉ नहीं बोल सकते, उसको फॉलो करना खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने लॉटरी की टिकट ली तो वो लॉटरी के जैसा हो गया, और उसकी लॉटरी निकल गई तो इसका मतलब ये नहीं आप भी लॉटरी लोगे तो आपकी निकल जाएगी। लॉ किसको कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, दो पत्थरों को आपने लिया, रगड़ते रहे, थोड़ी देर में चिंगारी वहां से उठी और उसे आग लग गई, ये क्या है? ये कोई लॉटरी की टिकट है? अगर आप भी समझ जाओ किस तरीके से करते हैं तो आप भी आग को जनरेट कर सकते हो ना। ये लॉ है, इस लॉ को समझना है, इसको आप लॉ कहो या उस लेवल की कंडीशनिंग कहो, उसको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या लॉज हैं अमीर होने के। जैसे आप उस बुक को पढ़ोगे बिल्कुल मजा नहीं आएगा, आप कहोगे क्या बकवास बातें हो रही हैं, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग से बिल्कुल अलग है। बट एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, पांच बार पढ़ा, उसके बाद में क्या होने लग जाएगा? धीरे धीरे आपकी चेंज होने लग जाएगी कंडीशनिंग। ऐसी और बुक्स पढ़ी, ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क को सुनना शुरू किया। कितनों को पता है उसके बारे में इलॉन मस्क? बाकियों को पता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, कौन है? गूगल है ना आपके पास में, मोबाइल है ना, उसमें सर्च कर लेंगे गूगल पे। अच्छा, बिल गेट्स कौन है तो पता होगा? यस सर। स्टीव जॉब्स कौन है, पता है ना? कितनों ने बुक पढ़ी है स्टीव जॉब्स की? कितनों को पता है कि उनका माइंडसेट कैसा है? तो ऐसे समझना होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर को समझना होता है। और बड़े ही, आप इसको ये कह सकते हो, एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ में समझना होता है, नॉट विद अ स्केप्टिकल माइंडसेट। क्यूरियस में और स्केप्टिकल में फर्क पता है? स्केप्टिकल मतलब क्या? जैसे ही ऐसी कोई बात कहीं पर आप सुनोगे जो आपकी कंडीशनिंग से अलग है, आप बोलोगे ऐसा तो नहीं होता, उसके साथ हुआ होगा, मेरे साथ नहीं होता, ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। दिस इज स्केप्टिकल माइंड। क्यूरियस माइंड मतलब क्या? अरे कैसे हुआ है, कैसे किया, अच्छा कैसे करते हैं, तो ऐसे दिमाग चलने लग जाता है धीरे धीरे धीरे, फिर हमको आंसर्स मिलने लग जाते हैं, कंडीशनिंग बदल चुकी है, देन वी स्टार्ट गेटिंग आंसर्स। फिर जो भी हम करते हैं वो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। जो मैं बोलता नहीं रहता आसान है आसान है आसान है आसान है, कब आसान है? हाँ, पहले आपकी सोच बदले फिर रियलिटी बदले तो सब कुछ आसान है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।